kindly like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Hello everyone, I'm Suparna Shri and you're watching EDUNOM Media, India's trusted education channel, which keeps you updated with all the details related to education. Today we are in Rohtak, Haryana, where the MBBS Admission in India and Abroad seminar is taking place. Let's get inside and see what's happening. Hello sir, आपका नाम? संजय कुमार. और आपका? निशान मकर. आपका मैम? गीता. Okay sir, तो कहाँ से आए हैं आप? भिवानी से. Okay, so कैसी लगी आपको EDUNOM की काउंसलिंग? बहुत अच्छी लगी. लंबोदर सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया हमें कि कहाँ का एडमिशन हो सकता है, कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहिए, कहाँ के लिए नहीं करना चाहिए, चॉइसेज कैसे फिलअप करनी है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताया. तो जितनी भी डाउट्स आपके दिल और दिमाग में थी वो पूरी क्लियर हुई? हाँ जी, फिलहाल तो हो गई हैं, कुछ बाकी हैं तो उनसे बात करते रहेंगे. और आपको कैसी लगी काउंसलिंग? काफ़ी अच्छे थे सर, हर कॉलेज के बारे में बता रहा सर को, काफ़ी अच्छी लगी काउंसलिंग. मैम आपको? हाँ जी, बहुत अच्छी लगी. तो लगता है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा अगर हम यहाँ से काउंसलिंग कराते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम विजेंद्र हुडा है जी. कहाँ से आए हैं? मैं रोहतक से आया हूँ जी. कैसी लगी आपको EDUNOM की काउंसलिंग? बहुत अच्छा लगा जी. सारे डाउट्स आप क्लियर हो गए इंडिया MBBS को लेकर या अब्रॉड MBBS को लेकर? हाँ जी, बहुत ही अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं ये और मेरे को बड़ा अच्छा लगा जी सारे. तो फाइनली क्या सोचा है अपने बच्चे को कहाँ डालना है, इंडिया में अब्रॉड में, एज पर परसेंटेज एंड मार्क्स? जो इन्होंने मेरे को गाइड किया है उसके हिसाब से मेरे को यूक्रेन बेस्ट लगा है उसमें, तो अब्रॉड में मैं यूक्रेन करवाना चाहूँगा उससे जी. थैंक यू सो मच सर. हेलो मैम, आपका नाम? संतोष. और सर आपका? प्रदीप. सो मैम आपको कैसी लगी EDUNOM की काउंसलिंग? अच्छी लगी, बहुत अच्छी, अच्छे से दिए सारी व्यू जितने भी दिए अच्छे से दिए. और सर आपको? बहुत अच्छी थी, अच्छी तरह बताते हैं सभी. सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए? यस मैम. और सर आपके? क्लियर है. कॉलेज से रिलेटेड, सीट से रिलेटेड, इंडिया और अब्रॉड के कॉलेजेस सबसे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए? सभी क्लियर हो गए. तो फाइनली क्या डिसाइड किया है? फाइनली अभी ये नीट कर दल के बाद ही. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच मैम. हेलो, व्हाट्स योर नेम? हाय मैम, माय नेम इज मुस्कान. सो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम सोनीपत. सोनीपत हरियाणा. सोनीपत हरियाणा. सो हाउ इज द काउंसलिंग? गुड, ऑल आर वेरी वेल. मतलब इंस्ट्रक्शन सब अच्छे से देते हैं, ऑल कॉलेज इंडिया फॉरन सब अच्छे से बताते हैं. अच्छा, तो फॉरेन में एडमिशन लेना है या इंडिया में? अभी तो नीट का रिजल्ट ही बताएगा कि फॉरेन ले या, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इंडिया में ये सीट मिल जाए. फॉरेन नहीं जाना चाहती हैं? ऑब्वियसली सबकी तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया ही होती है, तो इंडिया ही मिल जाए, बेस्ट ऑप्शन है इंडिया ही मिले. और अगर इंडिया में MBBS नहीं BDS मिला देन? नो, मोस्ट मतलब ये है कि MBBS ही मिले, BDS का तो अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने. अगर इंडिया में BDS मिला तो यू विल प्रेफर कि आप फॉरेन जाके MBBS ही करो? आई विल प्रेफर BDS, क्योंकि ऑल मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ही रहना चाहती हूँ, चाहे किसी भी कोर्स में मुझे एडमिशन मिल जाए. फॉरेन से प्रायोरिटी मुझे कि इंडिया में चाहिए सीट, BDS मिले भी MS मिले पर इंडिया में मिल जाए. थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर. हेलो, आपका नाम? निखिल नाम. कहाँ से आए हैं? हरियाणा से, रोहतक से. तो कैसी लगी आपको EDUNOM की काउंसलिंग? अच्छी थी मैम, अच्छे मतलब काफ़ी एलेबरेट करके बता रहे थे सर वगैरह और मैम भी, भाई इंडिया में या अब्रॉड वगैरह के लिए जाने के लिए हर एक चीज़ में फैसिलिटी वगैरह सब अच्छे से बताई. हाँ जी. तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए? हाँ, डाउट्स तो क्लियर हो गए. तो फाइनली क्या सोचा है MBBS इन इंडिया अब्रॉड? अभी तो थोड़ा सा तो डायलमा है मैम, इंडिया अब्रॉड के लिए थोड़ा सा इंडिया की तरफ ही है, अब्रॉड जाना इतना पसंद नहीं है. अगर देखते हैं तो आगे नीट का रिजल्ट आएगा उस हिसाब से कॉलेज वगैरह कहाँ ऑप्ट होंगे तो आगे डिसाइड कर लेंगे. चलिए, बेस्ट ऑफ लक. हेलो, आपका नाम? हिमांशु. तो कैसी लगी आपको EDUNOM की काउंसलिंग? काफ़ी अच्छी थी, सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, डाउट्स भी बहुत सारे क्लियर हो गए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आगे. थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर. हेलो मैम, आपका नाम? गीतू गेरा. कहाँ से आई हैं? हम फतेहाबाद से. ओके मैम, सो आपको EDUNOM की काउंसलिंग कैसी लगी? बढ़िया, अच्छी लगी.
सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए? हाँ, बहुत क्लियर हो गए। क्या सोचा है, कहाँ एडमिशन करवाना है? ये घर जाके सोचते हैं, एक बार इनसे पूछ के, बच्चे के पापा से पूछ के थोड़ा सा देखते हैं, घर में जाके सलाह करेंगे थोड़ा। हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। हेलो मैम, आपका नाम? मेरा नाम कविता। कहाँ से आई हैं? हरियाणा फतेहाबाद। और मैम, कैसी लगी आपको एडुनॉम की काउंसलिंग? अच्छी लगी मैम। सारे डाउट्स क्लियर हो गए MBBS एडमिशन को लेकर? यस। कॉलेजेस और सीट्स को? हाँ, सब क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हेलो, आपका नाम? पुष्पक मेहता। सो कहाँ से आए हो आप? हिसार। फाइनली आपको एडुनॉम की काउंसलिंग लेने के बाद कैसा फील हो रहा है? विज़न काफ़ी क्लियर हो गया है कि मतलब अब आगे इंडिया में या अब्रॉड में कॉलेजेस कैसे मिलेंगे, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा और रहना वगैरह कैसे होगा, सब सही है। सो क्या प्लान कर रहे हो आप, इंडिया या अब्रॉड? इंडिया, मतलब अभी इतना कुछ डिसाइडेड नहीं है, अब्रॉड भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है। ओके, सो क्या सब सारे डाउट्स क्लियर करके ले जा रहे हो यहाँ से, या फिर अभी भी कोई डाउट्स हैं आपके दिल और दिमाग में? नहीं, बस हम सब कुछ मतलब काफ़ी क्लियर कर दिया इन्होंने, तो सही है। अभी अभी बस खुद सोचना है कि आगे कहाँ जाना है, इंडिया या फिर अब्रॉड। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर। हेलो मैम, आपका नाम? माई नेम इज़ अभिलाषा। एंड सर, योर्स? प्रवीण कुमार। सो मैम, हाउ इज़ द काउंसलिंग? Counseling was good, and we have got to know so many colleges in India as well as abroad. Now we are in a fixed situation, in a dilemma that how to choose a better college for our child. So we are in a thinking mode. So we'll decide later on. We'll think upon exam. NEET ke exam aane ke baad hi aap decide karoge. After that, we will be able to decide. तो आपको भी नीट का एग्ज़ाम आने के बाद डिसाइड करोगे? रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। हेलो, व्हाट्स योर नेम? ललित। सो हाउ वाज द काउंसलिंग? काउंसलिंग वाज गुड, एंड आई हैव टॉक्ड टू सर फॉर इट फ्यू टाइम्स एंड इट्स गुड। सो क्या आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए? यस मैम। सीट्स को लेके, कॉलेजेस को लेके, सारे जो डाउट्स थे, इंडिया को लेके, अब्रॉड को लेके, कि इंडिया में एडमिशन करना है या अब्रॉड में, सारे डाउट्स क्लियर? यस मैम, आई हैव गोन थ्रू ऑल द थिंग्स एंड यस मैम। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर। हेलो, आपका नाम? शुभम हुड्डा। सो कहाँ से आए हो आप? रोहतक से। ओके, सो आपको काउंसलिंग कैसी लगी? इट वॉज परफेक्ट। सर, सारे डाउट्स जो थे आप इंडिया MBBS को लेकर या फिर MBBS अब्रॉड को लेके, वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए? इसमें सारी क्वेरीज थी जो सर ने क्लियर कर दी मैम। सीट्स वीट्स सब क्लियर हैं कि कितने सीट्स कहाँ हैं, सब डिटेल्स आप पेरेंट्स को जाके बोल सकते हैं कि एडमिशन कहाँ लेना है? यस मैम, अब तो श्योरिटी तो है इस बात की, क्योंकि अब जो डाउट्स थे माइंड में वो क्लियर हो चुके हैं, तो अब एक विजन तो बन ही गया कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब इस बात पे फोकस करना है और इस कॉलेज में जाना है। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर। हेलो, आपका नाम? अमरदीप। सो कैसी लगी आपको एडुनॉम की काउंसलिंग? सेटिस्फैक्ट्री। सो अब्रॉड के लिए कौन सा कंट्री प्लान कर रहे हो आप? मेनली यूक्रेन, ऐसे जो भी मिले। तो यूक्रेन का पूरा आपने डिटेल्स ले लिया? हाँ जी। सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हैं आपके? हाँ जी, क्लियर हैं। तो वाई ओनली यूक्रेन? पेरेंट्स ने डिस्कस किया कि यूक्रेन से ही थे। और नीट का स्कोर का वेट करेंगे आप? अभी तो देखना पड़ेगा, पर पहले से पता है 350 अराउंड रहना है, तो यूक्रेन ही करवाना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर। हेलो सर, आपका नाम? नरेश कुमार। कहाँ से आए हैं सर? हरियाणा। सर, कैसी लगी फिर आपको एडुनॉम की काउंसलिंग? आपकी काउंसलिंग बहुत बढ़िया लगी, आपकी बातों से संतुष्टि मिली और ऐसा लगता है कि आप साफ स्वस्थ भी बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कुछ फाइनल किया? नहीं, फाइनल तो रिजल्ट आएगा, नीट के बाद करेंगे क्या, लेकिन आपसे जुड़ेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे आपसे। थैंक यू सर, शुक्रिया। हेलो सर, आपका नाम? धर्मवीर है जी मेरा नाम। कहाँ से आए हैं सर? जींद से आए, हरियाणा जींद से। तो सर, कैसी लगी आपको एडुनॉम की काउंसलिंग? काउंसलिंग बढ़िया लगी, सर ने जो बातें बताई बिल्कुल अच्छे तरीके से बताई और कॉन्फिडेंटली बताई, और विश्वास भी हमें उनकी बातों से, उनके साथ श्योरली हम उनके साथ डील करेंगे, ये विश्वास है कि एडमिशन भी जरूर करवाएंगे हमारे बच्चे का। तो इंडिया और अब्रॉड दोनों में से कौन से कॉलेज प्रेफर कर रहे हैं? इंडिया के लिए हमने सर को इंडिया के लिए बोला,
लेकिन लास्ट में देखते हैं अगर इंडिया में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब्रॉड के लिए भी कोशिश करते हैं, बढ़िया कंपेनियन बच्चों के लिए मिल जाता है तो वहाँ भी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। हेलो सर, आपका नाम? सुनील कुमार। कहाँ से आए हैं सर? जी हरियाणा। सर तो कैसी लगी आपको एडुनॉम की काउंसलिंग? नहीं, काउंसलिंग हम 3-4 दिन से संपर्क में थे फ़ोन के द्वारा, तो आज सर से मिले तो बड़ा अच्छा लगा कि इनकी बात तो मैं ये नहीं, ये धोखेबाजी वाली बात नज़र नहीं, क्लियर से है ये है ये नहीं है, आपका मन करे वो आप देखें, तो हम नीट का एग्ज़ाम ये रिजल्ट आ जाए 5 को 7 को हम सर साकेत में मिलेंगे और आगे कर छोड़ेंगे इनके साथ। संतुष्ट हम अभी तक जो बात हुई इनके साथ, काफ़ी 1 घंटा का वक्त दिया इन्होंने, काफ़ी अच्छी बात। Thank you so much, sir. This was all about the whole seminar. Stay connected with EDUNOM for all your doubt clearance. Suparna Shriek signing off with cameraman Novil Chaudhary. Kindly like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon.